जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजी पीजी एडमिशन, यानी कि अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी या आपने एमए एमकॉम एमएससी में के फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो आपको पता होगा कि इसके डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट के बारे में एक ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमने अभी अभी इस वीडियो को अपलोड किया है कि डॉक्यूमेंट कब से जमा होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अपने कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आपको लिए तैयार कर ली है, और कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना अति आवश्यक है, अगर आप ये सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए सभी के साथ में अभी से, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पूरी लिस्ट पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, और इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कौन से डॉक्यूमेंट, एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इनको आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पर इस तरह का स्टार लगा हुआ है, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इनको एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दो जगह स्टार लगे हुए हैं, सॉरी यहाँ पर तीन जगह स्टार लगे हुए हैं, अगर आपके पास ये अभी नहीं है तो फिर आप इनको छोड़ भी सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट लेटर के बारे में। अगर आपने पास में अलॉटमेंट लेटर नहीं है, कई बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, केवल अलॉटमेंट लेटर को देख लेते हैं, इसके बाद में फीस सबमिट कर देते हैं, और जब हम अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं इसके बाद हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके एडमिशन में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एडमिशन फ़ीस स्लिप। क्या एडमिशन फ़ीस स्लिप, अगर आपके पास में स्लिप नहीं होगी तो फिर आपका एडमिशन रुक जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, आपने जो 10 रुपये की पेमेंट किया होगा या आपने 200 यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट किया होगा, तो ये दोनों में से कोई भी एक पेमेंट किया होगा तो दोस्तों आपके पास में एक स्लिप होगी। ये स्लिप का प्रिंटआउट निकाल कर रखिए अपने पास में, 3 से 4 आप अपने प्रिंटआउट निकाल कर रखिए, क्योंकि एक प्रिंटआउट तो अभी सबमिट हो जाएगा, एक प्रिंटआउट बाद में सबमिट होगा। कब होगा, जब दोस्तों आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उस टाइम पर आपको एडमिशन फी स्लिप का प्रिंटआउट सबमिट करना होगा। तो आप अपने पास में निकाल कर रखिए इसको, जिससे क्या है आपको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसके 3-4 प्रिंट निकाल कर रख लेना है। तो एडमिशन फीस स्लिप का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से फीस स्लिप निकालनी है, आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताना। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, 10th क्लास की 12th क्लास की मार्कशीट, यहाँ पर एक मार्कशीट और मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर यूजी की मार्कशीट। अभी यूजी की मार्कशीट किसको देनी, देखिए यहाँ पर 2 मार्कशीट देनी है 10th क्लास की और 12th क्लास की, केवल यूजी के स्टूडेंट के लिए, जो बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेना है उनके लिए। लेकिन जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और यूजी की मार्कशीट, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मार्कशीट, आपको इनके क्या क्या करना है, देखिए ये तो आपको साथ में अपने साथ में ओरिजिनल भी ले जाना है, एक सेट ओरिजिनल और एक सेट इसको आपको क्या करना होगा, फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी के सेट बनाकर ले जाइए, और एक यहाँ पर ओरिजिनल के सेट बनाकर आपको ले जाना है। तो ओरिजिनल आपको सबमिट नहीं करना है, ओरिजिनल केवल एक चीज़ आपको सबमिट करनी है, वो होती है आपकी टीसी माइग्रेशन, और कोई भी सबमिट नहीं करना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमारी मार्कशीट कंप्लीट हो गई, इसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र किन स्टूडेंट को यहाँ पर सबमिट करना होगा, ओबीसी स्टूडेंट को, एससी स्टूडेंट को, एसटी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को, यहाँ पर और किसी को भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करने की आवश्यकता है। और जनरल स्टूडेंट को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट उनका, तो यहाँ पर सबमिट नहीं करना है। तो जाति प्रमाण पत्र सभी स्टूडेंट का होगा। यहाँ पर अगर आपके पास में अपना खुद का जाति प्रमाण नहीं है तो आप अपने पिताजी का भी जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके बाद में आपको खुद का जाति प्रमाण पत्र अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, ये हमारा हो गया जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है, हिंदी में समझ लीजिए, यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके पास में एमपी का होगा, लेकिन जो अदर स्टेट के निवासी हैं उनका अदर स्टेट का होगा, जैसे राजस्थान की हैं
हमारा उत्तर प्रदेश का हो गया, एक्स वाई जेड जो भी स्टेट किए हैं उनके पास में उस स्टेट का होगा, वो एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका खुद का यहाँ पर अपने स्टेट का यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट का होगा, और यहाँ पर 200 सर्टिफिकेट होता है वो खुद का होता है, यानी कि जिनकी एज 18 प्लस है। ठीक है, जिनकी एज 18 प्लस है उनका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आपका खुद का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अगर आपकी एज अभी 18 प्लस नहीं तो आपके पिताजी का होगा, वो आपको अपने पिताजी का लगाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों आता है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट किसका बनता है। पहले तो इनकम सर्टिफिकेट का मतलब समझ लीजिए, क्या होता है इनकम सर्टिफिकेट का मतलब। यहाँ पर होता है हमारा आय प्रमाण पत्र। क्या होता है? आय प्रमाण पत्र। अब दोस्तों आय प्रमाण पत्र किसका बनता है? आपके फादर का बनता है। इस बारे में मेरे पास में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने पिताजी का लगाना पड़ेगा। तो आपके पिताजी का जो भी होता है इनकम सर्टिफिकेट वो आप लगवा लीजिए, अगर नहीं है तो इसको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास में नहीं तो एक बार इसको स्किप कर सकते हैं, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने साथ में ले जाइए जिससे क्या आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 4 से 6 फ़ोटो। ठीक है, 4 से 6 फ़ोटो ले जाने हैं, और आपको यहाँ पर कौन से फ़ोटो लगाने हैं, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो यूज किए थे वो वाले फ़ोटो ही आपको यूज करने हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपने जो रजिस्ट्रेशन में फ़ोटो यूज किया था वो फ़ोटो आपके पास में नहीं है तो फिर स्किप कर सकते हैं, आप दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं, कॉलेज वाले अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर वही फ़ोटो लगाना होता है जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाया था। अगर आपके पास में नहीं है किसी गलती से तो फिर आप एक बार के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना वही फ़ोटो लगाने की जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाया था। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे समग्र आईडी की। तो दोस्तों समग्र आईडी किसकी होती है? आपके परिवार की पूरी समग्र आईडी होती है, वो समग्र आईडी यहाँ पर आपको लगानी होगी, पूरी परिवार की समग्र आईडी होती है। इसके बाद में दोस्तों टीसी का माइग्रेशन टीसी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th क्लास पास किया होगा, 12th क्लास पास करने के बाद में यहाँ पर आप यूजी कर रहे हैं यानी कि बीबीकॉम बीएससी कर रहे हैं, तो आपके पास में 12th क्लास की होगी, आपके पास में माइग्रेशन भी होगा, ये दोनों चीज़ें लगानी है जो कि जनरेट किया जाता है स्कूल से और कॉलेज से। कॉलेज से किसको मिलता है? कॉलेज से मिलेगा टीसी, और माइग्रेशन जो पीजी के स्टूडेंट हैं जो पीजी में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में और बीबीकॉम बीएससी पास करके, तो उनके पास में बीबीकॉम बीएससी जिस कॉलेज से उन्होंने किया उसके पास उनका टीसी माइग्रेशन होगा, अगर नहीं है तो कॉलेज से मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट 12th क्लास पास करके आए हैं तो उनको अपने स्कूल से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे वैक्सीन सर्टिफिकेट की। दोस्तों अगर आपके पास एक बात और विशेष, अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है, यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ है, अगर आपके पास में नहीं तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, यानी कि इसको अपने कॉलेज में सर से, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बोल सकते हैं कि सर अभी हमारे पास टीसी माइग्रेशन नहीं है, लगभग 15 से 20 दिन में हमारे पास टीसी माइग्रेशन आया है तो हम सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन में लिख करके सबमिट कर देना, वो आपको बता देंगे। लगभग आपको 1 मंथ का फिर आपको टाइम मिल जाएगा, तो 1 मंथ तक आप टीसी माइग्रेशन सबमिट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने कॉलेज से ही सहमति लेनी पड़ेगी, तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपके पास में नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना आप टीसी माइग्रेशन अपने स्कूल से जनरेट करवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस टाइम पर, वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट बन गया होगा, चाहे आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया है, चाहे आपने सेकंड डोज लगवाया हो, चाहे आपने दोनों डोज लगवा लिए, चाहे आपने एक डोज लगवाया हो, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा, उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रोल है इस टाइम पर, पेरेंट्स एग्रीमेंट। पेरेंट्स एग्रीमेंट कौन सा होता है? एक शपथ पत्र होता है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले जब 15 सितंबर से हमारे इस कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मांगा गया था हमसे, जिसको कहते हैं पेरेंट्स सर्टिफिकेट या स्टूडेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो पेरेंट्स सर्टिफिकेट या पेरेंट्स एग्रीमेंट इसको आपको फिल करना होता है पूरा का पूरा। जब 15 सितंबर को हमारे कॉलेज ओपन हुए थे उस टाइम पर मैंने सभी को ये टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया था, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया था, और इसके बारे में लगभग 5 से 6 महीने यहाँ पर वीडियो बनाए भी थे कि पेरेंट्स एग्रीमेंट और स्टूडेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, इसके बारे में कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपके पास इनमें से 3 नहीं है तो एक बार के लिए इसके भी इनको कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के यहाँ पर 9 यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपके एडमिशन नहीं होंगे। तो ये लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है, ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में निकाल कर रख लीजिए। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक यहाँ पर
आपको ओरिजिनल बनानी है और एक आपको यहाँ पर फोटोकॉपी बनानी है। तो फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है अपने कॉलेज में, ओरिजिनल केवल आपको वहाँ पर वेरीफाई के लिए दिखाने के लिए ले जाना है, आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। और लेकिन जो सबमिट होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो केवल क्या होगा, यहाँ पर TC माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट होगा और यहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट, पेरेंट्स एग्रीमेंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर, ये दो तीन चीज़ें हैं वो होती हैं सबमिट, अन्यथा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ओरिजिनल नहीं सबमिट करना है आपको। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करोगे आप। मैंने आपके लिए पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और आपको इनको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक लिए बाय।